नमस्कार, वेलकम टू मायाज फूड। और आज हमने बनाया है क्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक, जो कि बहुत ही डिफरेंट मेथड के साथ हमने इस केक को ट्राई किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, पैन में ना गुड़ डालने ला। तो गुड़ हमने यहाँ पे डाला है लगभग 4 चम्मच के करीब। तो गुड़ हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब फ्रूट केक बनता है, खासतौर पर जो क्रिसमस वाला फ्रूट केक जो बनता है, उसमें थोड़ा ब्राउन कलर जैसा दिखता है, तो वो इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले गुड़ डाल दिया है। इस तरह से इसे चलाएंगे। गुड़ को हमें थोड़ा कैरेमलाइज करना होगा जिससे कि बढ़िया सा ब्राउन कलर यहाँ पे इसका क्रिएट हो। तो देखिए, काफ़ी अच्छे से कैरेमलाइज हो चुका है, खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी यहाँ पे इसमें ऐड करते हैं और अब एक कटोरी मैं इसमें जूस मिला रही हूँ। जो भी जूस अवेलेबल हो आपके पास वो यूज़ कीजिए। यदि फ्रेश वाला जूस ना हो ना, तो जो क्रश होता है वो वाला भी जूस इसमें चलेगा, थोड़ा सा लिक्विड करके। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो काजू और बादाम हमने डाल दिए, थोड़ी मनोखा ये वाली डालेंगे और थोड़ी ब्लैक वाली। अब इन सभी चीज़ों के साथ हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे ड्राई फ्रूट जो है काफ़ी अच्छे तरह से पक चुके हैं। और सबसे स्पेशल बात ये है कि हमें इन्हें सॉफ्ट करना होता है, तो ये अब काफ़ी अच्छे से तरीके से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। थोड़ा ठंडा इसे हम होने देते हैं। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे ले लिया है 150 ग्राम रेडी मिक्स। इसमें अब हम डालेंगे तेल, जो कि लगभग 2 से 3 चम्मच तक हमने इसे डालना है। बस अब इसे थोड़ा मिक्स कर लें। अब इसमें डाल देते हैं ये फ्रूट वाला घोल। अच्छी तरह से इसे पहले मिक्स कर लेते हैं। टेम्परेचर थोड़ा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स जरूर कीजिएगा। अब हम डालेंगे थोड़ी खजूर, गीली वाली खजूर। डालने के बाद थोड़ी टूटी फ्रूटी डालेंगे, कलरफुल हो तो ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सुंदर कलर आता है। अब तो काफ़ी सारे फ्रूट्स हो गए हमारे इस केक में, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब एक केक टिन को तैयार कर लीजिए, बढ़िया से ग्रीस कर लीजिए और इसमें अब ये सारा का सारा मिक्सचर हमें डाल देना है। अब मिक्सचर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम टैप करेंगे। कढ़ाई को प्री हीट कर लीजिए और फिर इसमें अब हमें इसे रख देना है। लगभग 25 मिनट में आपका केक बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार होगा। तो ये देखिए, 25 मिनट के बाद फ्रूट केक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है। अब हम इसे कट करते हैं। ठंडा होने के बाद बटर पेपर को रिमूव। देखिए हमारा फ्रूट केक कितना परफेक्ट बना है और बहुत सुंदर लग रहा है। यदि रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।